गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अभी बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास टेस्ट। देखिए क्लास टेस्ट में आप सियोर जो है ये देखें जो कितना हमसे बना, और यदि नहीं बना तो क्यों नहीं बना, उस बात को एनालिसिस करें। टेस्ट से कभी डरे नहीं। आप जो है जितना पढ़ने के प्रति इच्छुक होंगे, जितना आप पढ़ाई से अट्रैक्ट होंगे, मैं आपके उतना ही नज़दीक आऊँगा। देखिए मेरे जैसे आपको पटना में या और कहीं मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ आप पढ़ने वाले तो एक बार बनिए, एक बार पढ़ने वाले बनिए, देखिए हम आपके कितने करीब आ जाते हैं। ठीक। अब बात रही जो न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2 to 4 PM। क्वेश्चन है व्हाई वी ज्वाइन भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लासेस। हम क्यों भी किशोर सर केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन करें? तो देखिए मेरे पास स्पेशल फीचर है। सबसे पहला फीचर जो कोई भी बच्चा क्लास में या ऑफिस में बेहिचक किसी भी बुक से पूछ सकता है, कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा, मेरे पास आपको 1 week में 1 test, 2 test, 3 test भी हो सकता है। टेस्ट कोई ज़्यादा देर का नहीं, 10 या 15 मिनट का होगा। टेस्ट से आपका आँख खुलता है जो मेरा कितना लेवल है। टेस्ट में यदि आपको कम मार्क आ रहा है, घबराइए नहीं, हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ भी समझ में ना आए तो ऑफिस में आकर के मिले। अगेन हम आपको DPP हो, एन अवस्थी हो, RCM हो, क्वेश्चन बैंक हो, ये सब डिस्कशन कराते हैं। फिर 12th के लिए जो स्पेशल 12th है उसका क्वेश्चन बैंक बात करेंगे। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, जो लोग स्पेशली 12th के हैं उसके लिए जल्द ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें टू द पॉइंट केवल हम 12th का ही बात करते हैं, 12th के अलावा कोई बात नहीं होता है। उसी को कहा गया है क्रैश कोर्स। तो बस आप क्या करें, घबराए नहीं, संघर्ष करें, देखें आपको क्या नतीजा आता है। तो चलिए हम डिस्कशन करें क्रैश ये क्लास टेस्ट के बारे में। लेकिन पहले ये मेरा फेवरेट डायलॉग आप सुने। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं। पत्थर पर जब तक चोट न पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है सो अपने सामने रख लें तो डिस्कशन से ज्यादा बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जो Cu2+2 इलेक्ट्रॉन गेन कराने के बाद Cu और E0 का वैल्यू दिया गया है 0.337 वोल्ट। दूसरा Cu2+ से 1 इलेक्ट्रॉन जोड़िए तो Cu+ और E0 का वैल्यू 0.153 वोल्ट दिया गया। ठीक। हमसे पूछा जा रहा है जो आप बताइए E0 कब किस सिचुएशन में, तो जब Cu2+ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस सिचुएशन में आप बताइए जो क्या होगा। समझ गए बात को? यानी हम लोगों से कह दिया गया जो ये E0 दे दिया गया। तो सबसे पहले आप ये समझें जो ये जो हम लोगों को E0 दिया हुआ है ये कौन सा पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है और इसका कहा जा रहा है जो E0 = 40। अब कैसे हम बात करेंगे,
हम ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, ठीक। तो हम डेल जी बराबर नॉट, डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, आपके साथ एक फार्मूला समझाए थे जो इस तरह से होता है। तो हम लोग ये देखें जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें डेल जी नॉट, अब एन का वैल्यू कितना देख रहे हैं 2, और एफ ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ई नॉट का वैल्यू जो ई नॉट सेल है लेकिन यहाँ ई नॉट इलेक्ट्रोड तो 0.337, तो 4, 7 और 6 यानी 0. इतना माइनस वोल्ट आया। अब आपको इक्वेशन थर्ड लाना है, तो इक्वेशन थर्ड लाना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो मिलेगा नहीं, तो हम कहेंगे रिवर्स द इक्वेशन सेकंड, और जब सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कीजिएगा तो प्लस अब Cu2+1 इलेक्ट्रॉन, तो E नॉट का जो वैल्यू है वे तो रिवर्स हो जाएगा, ये तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब इसको मान लीजिए जो इक्वेशन 4 है, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन फर्स्ट और 4 को हम ऐड करें, एडिंग इक्वेशन, और इसको पहले यहां तो निकाल तो लें क्या, डेल जी नॉट तो माइनस एन एफ ई नॉट, ये तो हमेशा लागू होगा, एन का वैल्यू 1 रहा, एफ ज्यों का त्यों रहा, और यहां माइनस 0.153। अब सॉल्यूशन करने के बाद ये माइनस गुना माइनस यानी ये तो प्लस हो गया, प्लस 0.153 वोल्ट, तो ये इक्वेशन 4 आया। देखते रहिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है सो अलग हटके है। अब हम कहेंगे एडिंग इक्वेशन कितना फर्स्ट एंड 4, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 4, तो फर्स्ट एंड 4 को ऐड कीजिएगा। अब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, हम राइट साइड बात कर रहे हैं, देखिए यहां पे, तो यदि हम फर्स्ट को रखें Cu2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, तो ये 4 को Cu+ से जा रहा है Cu2+1 इलेक्ट्रॉन, ऐड करेंगे तो देखिए ये Cu2+ और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया यही मेरा Cu1+ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए तो Cu बन गया और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आ रहा है, तो आएगा जरूर आएगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर दीजिए, इधर का इलेक्ट्रॉन खत्म कर दीजिए तो Cu+1 इलेक्ट्रॉन यानी Cu आ गया। हम लोगों का ये इक्वेशन तीसरा इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा इक्वेशन मिला तो कैसे मिला, ऐड किए फर्स्ट और किसको 4 को, तो डेल जी को भी तो ऐड कर दीजिए, तो डेल जी देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 1 कर देते हैं और ये हम कितना कर दें 2 कर देते हैं, तो इस 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये थर्ड के बराबर मानिए, तो डेल जी नॉट जो है डेल जी 1 प्लस डेल जी 2, अब 1 और 2 तो 1 का वैल्यू इतना रहा माइनस 0.674, ये प्लस फिर कितना 0.153, अब सॉल्यूशन कीजिए
तो माइनस 0. कितना 5 रहा, ये 1 रहा और ये 2 रहा, इतना आ गया। अब देख लीजिए जो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए के करीब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसीलिए आंसर ए। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ये हम लोगों को दिया हुआ है ठीक, और ये कहा जा रहा है जो ऑब्टेन कीजिए और ई नोट ऑब्टेन कीजिए। तो ई नोट जो ऑब्टेन कीजिएगा तो यहाँ जो वैल्यू मिला ये इतना अभी फैराडे मिला, देखिए डायरेक्ट हम कैसे आंसर मिला दिए, इतना ये फैराडे मिला। और यहाँ जो इसके लिए बात जो कीजिएगा तो अगेन माइनस क्या हो जाएगा एन एफ ई नोट, ये माइनस 0.521 एफ, एफ एफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, एन तो वन रहा। अब जो है ई नोट बराबर कितना 0.521, तो आंसर तो हम लोगों को 0.52 ही है, तो इसीलिए आंसर ए रहा। थोड़ा सा टफ सवाल है लेकिन घबराना नहीं है ठीक। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा का बात कर लें, जो क्वेश्चन नंबर 2 में किस बात का इंडिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है जो 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al3+ सॉल्यूशन बाय ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट STP फ्रॉम H+ इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। मतलब एक कंटेनर है जहां मतलब एल्युमिनियम जो है Al3+ से डिपॉजिट हो रहा होगा ये माइनस पर, तो हमसे कहा जा रहा है जो यदि 4.5 ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने में जितना करंट का जरूरत पड़े, जितना चार्ज का जरूरत पड़े, उतना ही चार्ज से उतना ही करंट से H+ जो है कितना लिबरेट होगा। तो पहले कोई हमको ये बता दे जो इतना ग्राम एल्युमिनियम को डिपॉजिट कराने के लिए कितना फैराडे चाहिए। तो याद है Al3+ इक्विवेलेंट वेट Al3+ जब कीजिएगा तो 27/3 यानी 9 हो गया, तो 9 ग्राम को लिबरेट कराने के लिए कितने फैराडे का जरूरत पड़ेगा, 1 फैराडे का। तो देयरफॉर कितने, तो 4.5 ग्राम सॉरी तो इतना यानी 4.5 कितने, तो 0.5 फैराडे। क्लियर है। अब आपको कहना होगा जब हम 1 फैराडे के बात करते हैं तो 11.2 लीटर, तो देयरफॉर 0.5 फैराडे 11.2/1 यानी 0.5, तो 5.6 लीटर हाइड्रोजन लिबरेट होगा। क्लियर हो गया। तो हम लोगों का इसका दूसरा का कौन सा आंसर मिला, डी, दूसरा का डी आंसर मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए सेम, और आइसो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है हम डायरेक्ट आपको जो ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन पे चले जाते हैं, आप ये समझ जाएंगे जो कैसे कैसे जो है सो सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम डायरेक्ट आपको पहुंच जाते हैं ये जो तीसरा नंबर है उसका आंसर डी होगा, इस डी को हम देख लेते हैं। तो Cl(O)-, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 17
और प्लस ऑक्सीजन का 8 × 3 एक माइनस है तो एक प्लस कर दीजिए, यानी 17 + 24 अब प्लस 1 यानी 4 × 5 और 12 2 × 3 × 4 यानी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 42 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 42 इलेक्ट्रॉन तो फिर अब अगला में देख लीजिए जो कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट नंबर SO3 2 माइनस तो सल्फर का 60 और फिर 8 × 3 और प्लस 2 तो 16 + 24 + 2 तो 4 × 2 = 6 × 6 = 12 और 2 × 3 × 4 यानी इलेक्ट्रॉन सेम रहा। अब सवाल है आइसो स्ट्रक्चरल का बात, तो आइसो स्ट्रक्चरल तो आपको स्ट्रक्चर लिखना होगा Cl देखिए तो 1 2 और ये माइनस है तो यहाँ पे जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5 और 2 7 लोन पेयर है कि नहीं, उसी तरह से SO3 2 माइनस में देखिए तो SO3 इस तरह से स्ट्रक्चर होगा 2 2 4 1 5 और 5 और जैसे ही हम लोग लोन पेयर का और 2 माइनस है तो 2 माइनस है तो यहाँ माइनस करना होगा यानी लोन पेयर। तो दोनों का शेप तो पिरामिडल है क्योंकि जैसे ही इस तरह का एक लोन पेयर आ जाए तो क्या कह देंगे, पिरामिडल शेप। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर, यानी बताइए जो इसमें से कौन सा बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट होगा। तो O2- आपको टेक्निक सिखाए जो जब भी बॉन्ड ऑर्डर का बात हो तो हम लोग टेक्निकली बात करेंगे। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 तो 2 ऑक्सीजन होगा, तो इसी तरह से जब 2 ऑक्सीजन होगा तो 4 × 4 = 8 और 1 क्या है उसके ऊपर निगेटिव है तो 8 × 1 = 9 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोगों को कितना हो गया 9। अब हम कहे थे जो नीचे जाएगा 6 और 6 - 3 / 2 यानी 3/2 1.5। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी अभी आपको करंट में बताया है उसको जा करके देख लेना है। इसमें बी और डी ऑप्शन दोनों ही सेम है इसीलिए दोनों ही मार दीजिए वे सही रहेगा। ठीक चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट CO2 यदि कहेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना, 0 क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहा है। CH4 का भी कह दिए हैं जो 0 ड्यू टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब सवाल रहा NH3 में ये खींच रहा है और NF3 में F ये इधर की तरफ खींच रहा है तो लोन पेयर इधर की तरफ, तो कम से कम इसमें तो इसके अपेक्षा कम हो गया, इसका मूवमेंट तो ज्यादा हो जाएगा इसीलिए 5 का जो आंसर होगा यार वे कितना, C हो जाएगा। ठीक चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखें जो क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, बताइए जो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो CO2 में तो देख रहे हैं एक पाई एक सिग्मा दो दो पाई है। H2O बार बार स्ट्रक्चर बताते थे ना, ये तो केवल सिग्मा बॉन्ड है तो इसीलिए आंसर कौन हो जाएगा, B नंबर।
चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करें, सेवन नंबर। सेवन में क्या कहा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पारा मैग्नेटिक, यानी कौन पारा मैग्नेटिक है। तो ये टेक्निक सीखिए अभी, जैसे CO है तो इसमें 6+8 तो 14 हो गया, ये 14 ऑड कहिएगा कि इवन कहिएगा, तो इवन जैसे ही टोटल इलेक्ट्रॉन इवन हो, ध्यान दीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन इवन हो तो उस सिचुएशन में भी डाया मैग्नेटिक होगा, यदि टोटल क्या हो इवन हो तो डाया मैग्नेटिक होगा। तो नेक्स्ट नंबर और देख लीजिए, O2-, तो B में यदि O2- कहेंगे तो 8+8 और +1 तो 8, 8, 16, 17, ये तो ऑड नंबर हो गया, और जैसे ही ऑड नंबर हो जाए तो ये पारा मैग्नेटिक, तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, या नहीं तो आपको जो दिखाए हैं अनपेयर्ड आधार पर उस पर आप निकालिए, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है, कह रहा है जो ओर ऑफ एमजी इज, बताइए जो एमजी का ओर कौन सा होगा, तो क्या कह देंगे, डोलोमाइट यानी डी। अब ये जो आपको मेटलर्जी में जो ये टेबल दिए हैं, सीट दिए हैं, उसमें जाकर के देखिए जो डोलोमाइट जो CaCO3 MgCO3, तो क्या इसमें मैग्नीशियम है कि नहीं है, इसीलिए ये एमजी का ओर बन जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर, इंडियन साल्ट पीटर इज, तो देखिए NaNO3 का नाम चिली साल्ट पीटर है, KNO3 का नाम ही इंडियन साल्ट पीटर है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। MnO2 का नाम क्या है, पायरोलुसाइट, और PbCO3 का नाम क्या है, तो सीरुसाइट, ठीक। चलिए 10 नंबर, तो 10 नंबर जो है AlF3, यानी कहा जा रहा है किसका है, तो ये देखिएगा क्रायोलाइट का फार्मूला है, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है पूरे का पूरे डिस्कशन कर दिए, यदि आपको मार्क बहुत अच्छा आया है तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन कम आया है तो घबराइए नहीं, अगेन हमसे आकर के आप मिलें, जो है सो यदि इतना में कंफ्यूजन हो तो फिर भी हम आपको क्या करेंगे, ऑफिस में जो है सो समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको प्रयास तो आपको ही करना होगा, ठीक है।